हेलो फ्रेंड्स, आयुष मिश्रा फूड ब्लॉग में वेलकम है आप सभी का। ये देखिए फ्रेंड्स, विंटर की खास रेसिपी जिसे हम गाजर का हलवा कहते हैं। ये गाजर का हलवा खासतौर विंटर में बनाया जाता है। ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे हलवा को अपने। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जो झटपट बन जाएगा। ये गाजर का हलवा हमारा हेल्दी के साथ में टेस्टी भी बहुत होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, गाजर की हलवा का लुक कितना ज़्यादा ही अच्छी है। देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी है तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वीडियो को देर ना करते हुए अब जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये गाजर का हलवा अभी कुछ ही देर में एमी बन के हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लिए हैं हम गाजर 1 किलो। ये हमारा गाजर 1 किलो है। रेड वाला गाजर हम लिए हैं। ऑरेंज वाला भी आता है लेकिन रेड वाले गाजर से ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसको हम मोटे वाले साइड से एक नाइफ लेके इसको कट कर लेंगे। एक एक गाजर ऐसे ही कट करेंगे हम। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो एक एक गाजर जैसे कट किया है ऐसे सारे गाजर हम कट कर लेंगे। अब हम सारे गाजर को कट कर लिए हैं। यहाँ पे हम लिए हैं कद्दूकस। कद्दूकस हमारा मोटा वाले की तरफ से हमें घिसना है और मोटे वाले तरफ से घिसिए तो ज़्यादा अच्छे से घिस भी जाता है। आप चाहें तो छोटा छोटा कट करके इसको उबाल के भी बना सकते हैं लेकिन घिस के ज़्यादा अच्छा हलवा बनता है गाजर का। जो मैंने ऐसे कट किए हम एक गाजर घिसे हैं, इसी तरीके से हम सारे गाजर अपना घिस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे गाजर को मैंने घिस लिया है। ये गाजर हमारा 1 किलो है। एक प्लेट में मैंने घिस के रख लिया है। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स है। यहाँ पे मैंने लिया है काजू। ये हमारा है हरी इलायची, 4-5 हरी इलायची मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है बादाम और नारियल का। ये हमारा छोटा सा गोला है, ये सूखा वाला नारियल है। अब इसको हम सबसे पहले अपने नारियल को घिसेंगे इसी मोटे वाले साइड से। हम अच्छे से इसको घिस लेंगे। आप चाहो तो कट करके भी डाल सकते हैं लेकिन घिसा हुआ ज़्यादा ही अच्छा बनता है, ज़्यादा ही टेस्टी हलवा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको घिस लिया है। इतना हमारा नारियल निकला है, सूखा वाला नारियल हमारा है। ये हमारा काजू। अब हम एक नाइफ लेंगे और एक एक काजू का इस दो दो टुकड़ा करके इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो छोटा टुकड़ा कर सकते हो लेकिन एक काजू में हम दो ही टुकड़ा करेंगे। ऐसे हम सारे काजू को अपने कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ड्राई फ्रूट्स डालने से बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। अब ये देखिए, सारे काजू को मैंने कट कर लिया है। अब ऐसे ही हम एक बादाम भी आपको कट करके दिखाते हैं। अब जैसे मैंने एक बादाम कट कर लिया है ऐसे ही हम सारे अपने बादाम को कट कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इलायची को, ये हमारी हरी इलायची है, इसको हम कूटेंगे एक कुटनी लेके। ये देखिए फ्रेंड्स, हम हरी इलायची को अपने कूट कर लिए हैं। यहाँ पे लिए हैं हम घी। एक घी हमारा 2-3 चम्मच है। ये दूध हमारा 1.5 लीटर था। इसको मैंने गाढ़ा कर लिया है दूध को अपने उबाल के। या तो आप मावा डालिए या खोया इसी तरीके से डालिए लेकिन आज ना हम मावा डालेंगे ना हम खोवा डालेंगे। दूध ही गाढ़ा करके बहुत ही टेस्टी हलवा बनाएंगे फ्रेंड्स। हम यहाँ पे लिए हैं लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में मैंने घी डाला है और घी हमारा मेल्ट हो चुका है। इसी में हम डाल दिए हैं अपना घिसा हुआ गाजर। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन किया था। हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, इससे आयरन और विटामिन दोनों मिलता है। अब एक करछी से इसको हम मिक्स कर लेंगे गाजर को धीरे धीरे चलाते हुए फ्रेंड्स। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। गाजर को हमें भूनते हुए लगा है 15 मिनट और इसको हम इसी कच्ची से मैश करेंगे। सबसे ज़्यादा घिसे हुए गाजर को अच्छी तरीके से मुझे भूनना है। जब हमारा ये भून जाएगा तभी टेस्टी हलवा हमारा बनेगा फ्रेंड्स। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे मैंने लिया है चीनी। चीनी हमारा 1 कटोरी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करें। चीनी भी हम डाल के इसी में मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने में थोड़ा सा पानी भी निकलता है। अब पानी भी इसी में हम सुखवा देंगे और इसको हम एक अच्छे से ही चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे पानी हमारा सूख रहा है। अब इसको हम ऐसे ही चलाते ही रहेंगे कि नीचे से हमारा पकड़ नहीं ना पाए। अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे से पकड़ लेगा। यहाँ पे हम हरी इलायची कुटा हुआ भी डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे इसी कच्छे से बराबर से कि मिक्स हो जाए अच्छे से हमारा इलायची। अब पानी भी सूख गया है और इलायची भी मिक्स हो चुकी है। इसको अच्छे से मैंने चला लिया है फ्रेंड्स। भुने हुए गाजर में हम डालेंगे गाढ़ा किया हुआ दूध। इसको भी हम डाल के मिक्स कर लेंगे। 1 किलो हमारा गाजर है, 1.5 किलो हमारा दूध था। इसको मैंने खूब गाढ़ा करके डाल लिया है। अभी बहुत ही अच्छा बना है हमारा ये हलवा फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा। यम्मी यम्मी हमारा ये हलवा।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे गाजर के हलवे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसी को अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर के हलवे में अच्छे से जब मिक्स हो जाता है तभी खाने में टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये विंटर का खास हलवा है जो विंटर में ही बनाया जाता है। इसको बड़े और छोटे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। हल्दी के साथ में टेस्टी भी होता है। अब इसमें हम एक घिसा हुआ नारियल का लच्छा भी डाल देंगे, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें काजू भी हम डाल के मिक्स कर लेंगे, इसमें भी इसी में डाल के मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसमें हम कटा हुआ अपना बादाम भी डाल देंगे, बादाम भी डाल के इसी में मिक्स कर लेंगे। गाजर की हलवा बनाने में सिर्फ हमें आधा घंटा ही लगा है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। और गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे गैस को। अब ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार हो चुका है। कितना ज़्यादा टेस्टी ये हलवा हमारा बना है। अब हम एक प्लेट में हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है हमारी, बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक प्लेट में इसको सर्व कर लिए हैं गाजर का हलवा अपना। धीरे धीरे इसको हम एक चम्मच से आप देखिए इसको निकाल के, इसकी लुखी कितनी ज़्यादा अच्छी है, देखने में कितना ही टेस्टी है फ्रेंड। अगर आप नए तरीके से एक बार बनाओगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करोगे। आपको अगर सफर में जाना है तो भी इस गाजर के हलवा को बना सकते हैं। तो आप इसको व्रत में भी बना के खा सकते हैं, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसको आप व्रत में खाइए या कहीं आप सफर में जाइए, मेहमान आ जाए तो उनको भी बना के दे सकते हैं। नारियल का लच्छा ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे फ्रेंड। थोड़ा सा इसको काजू से भी हम इसको गार्निश कर देंगे ऊपर से। ये हमारा किशमिश है, किशमिश से भी हम गार्निश कर देंगे ऊपर से। और यहाँ पे हम बादाम भी कटा हुआ, इसको भी हम गार्निश कर देंगे ऊपर से। पूरे ड्राई फ्रूट से मैंने गार्निश कर लिया फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा बन चुका है गाजर का हलवा। देखने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। मेरे नए तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करके अपने कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर देना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।